पीयूव्रत कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो है इंडिया इन्वेस्टमेंट के बारे में। इंडिया में कैसे आप बिजनेस शुरू करोगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप आउट ऑफ इंडिया में, अगर आप एक इंडियन हो और आउट ऑफ इंडिया में कहीं रह रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कहीं रेसिडेंसी लेकर रह रहे हो और इंडिया में आप बिजनेस करना चाहते हो, इंडिया में कोई भी स्टेट में आप बिजनेस करना चाहते हो, तो इंडिया में हमारा कंपनी आपको मदद करेगा, लाइसेंसिंग फोकस में आपको हेल्प करेगा। नहीं तो आप अगर NRI हो, नॉन रेसिडेंसी इंडियन हो, आप अमेरिका, कनाडा या मिडिल ईस्ट में या कहीं आउट ऑफ इंडिया में काफी सालों से रह रहे हो और आपका प्लान है कि इंडिया में आके कुछ बिजनेस शुरू करना है, तो आपको हमारा कंपनी मदद करेगा, हेल्प करेगा। काफी सारे जो लाइसेंसिंग होता है, प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस होता है और लिमिटेड लाइसेंस होता है, काफी सारे लाइसेंस में हम आपको मदद करेंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ हो इंडिया में और आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो और आपको मालूम नहीं है लाइसेंस कहाँ से अप्लाई करना है, क्या करना है, तो हमारा कंपनी आपको मदद करेगा। नहीं तो आप इंडिया में कोई भी स्टेट से हो और आपको कुछ भी मालूम नहीं है किस टाइप का, किस क्या लाइसेंस का जरूरी है, किस बिजनेस के लिए क्या लाइसेंस का जरूरी है, तो उसके लिए भी हम आपको मदद करेंगे। तो पहले आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में किस किस टाइप का लाइसेंस हम आपको मदद करेंगे इंडिया में एप्लीकेशन के लिए। देख लीजिए स्क्रीन में, तो हम आपको मदद करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, वन पर्सन कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, सेक्शन 8 कंपनी, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो NGO के लिए यूज होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड, FSSAI लाइसेंस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट कंपनी लाइसेंस फॉर इंडिया एंड एब्रॉड। सो मैंने आपको दिखा दिया काफी सारे लाइसेंसेस का दिखा दिया। तो इंडिया में अगर आप छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप 1% लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बड़े पैमाने में कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस ले सकते हो या LLP लाइसेंस ले सकते हो। और आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस कहाँ मिलेगा? फिर आपका प्रोडक्ट का आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो या FSS लाइसेंस जो होता है, FSSAI जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का होता है, तो उसका भी लाइसेंस कहाँ मिलेगा? या अगर आप रिक्रूटमेंट बिजनेस करना चाहते हो इंडिया या अब्रॉड के लिए, फॉरेन रिक्रूटमेंट के लिए या इंडिया रिक्रूटमेंट का लाइसेंस करना चाहते हो, उसके लिए हमारा कंपनी ट्यूबलेस कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा इंडिया के अंदर कोई भी लाइसेंस एप्लीकेशन अगर करना चाहते हो। अगर आप एक NRI हो, नेशनल नॉन रेसिडेंसी इंडियन हो, आउट ऑफ इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में आप करना चाहते हो, इंडिया में कोई भी स्टेट में आपका फैक्ट्री, आपका कोई भी बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। इंडिया में कोई भी स्टेट में आपका कोई भी बिजनेस सेटअप करना है, हम आपको मदद करेंगे। और अगर आप इंडिया में कोई भी स्टेट में हो और आपको मालूम नहीं है कि आपको कौन सा बिजनेस के लिए क्या लाइसेंस चाहिए और आप क्या करना चाहते हो, आप अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस आप IEC जो कोड होता है वो पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद काफ़ी सारे लाइसेंस होता है, जैसे कि आप सिगरेट आप एक्सपोर्ट करोगे तो सिगरेट एक्सपोर्ट के लिए कहाँ से लाइसेंस मिलेगा, लिक्योर एक्सपोर्ट के लिए कहाँ से लाइसेंस मिलेगा, फूड यानी जो वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए क्या लाइसेंस चाहिए, यानी जो मीट के लिए क्या लाइसेंस चाहिए, बहुत सारे लाइसेंस की होता है। खाली एक्सपोर्ट IEC कोड के लिए आप पूरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लाइसेंस प्रोसीजर होता है। तो और हर प्रोडक्ट को कहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे कि आपको टी एक्सपोर्ट करना है तो टी एक्सपोर्ट के लिए आपको इंडिया का जो टी बोर्ड होता है, टी बोर्ड में एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो बहुत सारे प्रोसीजर रहता है, तो हम आपको मदद करेंगे, हम आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन का मदद करेंगे, लाइसेंसिंग का प्रोसेस में मदद करेंगे। तो आप हमें, हमारा कंपनी को, आप मुझे ईमेल आईडी, मेरा जो पर्सनल ईमेल आईडी मैं नीचे दे रहा हूँ और हमारा कंपनी का ईमेल आईडी दे रहा हूँ, अगर कंपनी को आप लिखिए, कंपनी अगर रिप्लाई नहीं आ रहे तो कोविड के वजह से हमारा काफ़ी जो एसोसिएट है और हमारे स्टाफ है कोविड के वजह से घर से काम कर रहे हैं, आपको रिप्लाई टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमें, मेरा जो पर्सनल ईमेल आईडी है नीचे दे रहा हूँ, तो आप लिखिए मुझे, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा। तो मैं आपको इंडिया या आउट ऑफ इंडिया में, इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट में आप किस टाइप का लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो तो आप मुझे लिखिए, मैं आपको मदद करूंगा। जो भी खर्चा होगा, क्योंकि हमारे पास हर स्टेट में ऑलमोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अवेलेबल है, तो थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट के मदद से हम आपको मदद करेंगे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसा होगा और किस टाइप का लाइसेंस किस बिजनेस के लिए चाहिए, हम आपको मदद करेंगे। अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो फूड लाइसेंस, फूड ड्रग लाइसेंस चाहिए, रेस्टोरेंट लाइसेंस चाहिए, बहुत सारे लाइसेंस का जरूरत रहता है, ठीक है।
और अगर आउट ऑफ इंडिया में एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है, 195 कंट्रीज में कौन सा कंट्री में आपको, कोई भी कंट्री में आपको कंपनी सेटअप करना है, बिजनेस सेटअप करना है, आपका फैक्ट्री सेटअप करना है, ऑफिस सेटअप करना है, आप मुझे लिखिए, मैं आपको मदद करूंगा कोई भी कंट्री में जाके आपका बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो मैं आपको मदद करूंगा। तो आप मुझे लिख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट ईमेल के जरिए लिख सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको एडवाइस दूंगा कौन सा कंट्री में क्या क्या आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, कौन सा कंट्री में क्या बिजनेस करोगे, पूरी डिटेल्स में आपको मैं मदद करूंगा, और कौन सा कंट्री में आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो आपको कैसे रेसिडेंसी मिलेगा और कितना खर्चा आएगा, पूरा डिटेल्स में मैं आपको मदद करूंगा कंपनी फॉर्मेशन, लाइसेंसिंग और बिजनेस सेटअप इन इंडिया एंड एब्रॉड, ठीक है। और आपको मैं डिटेल्स में बता दिया, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया, जिससे मैं काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ अफ्रीकन कंट्रीज में, मुझे काफ़ी सारे ईमेल आया था कि अफ्रीकन कंट्री में कंपनी फॉर्मेशन के बारे में और खर्चा डिटेल्स के बता दिया। देखिए अफ्रीकन कंट्रीज में नॉर्मली 2000 से लेकर 2000, 3000, 4000, 5000 डॉलर के अंदर कंपनी बन जाती है नॉर्मली, और कई कंट्री में फ्री है, जैसे कि मैं बता दिया आपको जो कंट्री है केनिया में ऑलमोस्ट सस्ता है, केनिया में जो है 1500 इंडियन रुपीज़ 1500 रुपया 1500 रुपीज़ में कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, 25000 के अंदर आप 25000 इंडियन रुपीज़ में आप केनिया में आपका खुद का कंपनी शुरू कर सकते हो थ्रू ए लॉयर, केनियन लॉयर, ठीक है। वैसे ही आपको बता दिया जो बहुत सारे जो कंट्रीज बता दिया अफ्रीका में, जैसा कि सेनेगल है 2-3 हज़ार डॉलर खर्चा होता है, घाना में खर्चा ज़्यादा होता है 5-6 लाख रुपया खर्चा होता है इन घाना, नाइजीरिया में भी सस्ता में बन जाता है 30-40 हज़ार में बन जाती है, तो डिपेंड करता है, डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट लॉ होता है, डिफरेंट कंट्री का उनका रेजिडेंसी पॉलिसी अलग रहता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी अलग रहता है। इसलिए एक कंट्री का मैं जो बता दिया, रुवांडा में बता दिया, बनाया था वीडियो रुवांडा के बारे में, रुवांडा में फ्री में कंपनी बन जाती है, अगर आप खुद जाके करोगे तो फ्री में बन जाती है, अगर थ्रू लॉयर लेके करोगे तो आपको 400-500 डॉलर में आपको कंपनी बन जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑलमोस्ट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फ्री है, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्री का अफ्रीका में बना चुका हूँ, तो अगर अफ्रीका के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझे लिख सकते हैं, यूरोपियन कंट्री का अगर रजिस्ट्रेशन करना तो करना चाहिए आप मुझे लिख सकते हैं, सेंट्रल अफ्रीका में अगर करना चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। आज के तारीख में अफ्रीकन कंट्री जितने सारे 54 कंट्रीज इन अफ्रीका और सेंट्रल एशियन कंट्रीज होता है जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये जो एरिया है, इस एरिया में बिजनेस करना इजी है, वीज़ा इजीली मिल जाती है और सेटलमेंट होके आप वहाँ बिजनेस इजीली कर सकते हैं, या अफ्रीकन कंट्री में कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, ये सब कंट्री में आपको रजिस्ट्रेशन कंपनी तो बन जाती है लेकिन काफ़ी महंगा हो जाता है आपका जो रेजिडेंसी लेना, जैसे यूके में, यूनाइटेड किंगडम यूके में कंपनी रजिस्ट्रेशन कितना खर्चा आता है, 12 पाउंड में आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर पाओगे एज ए फॉरेनर 12 पाउंड में, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन सॉरी आप रेजिडेंसी एप्लीकेशन देने जाओगे तो आपको वहां पर 25-30 लाख इंडियन रुपीस डिपॉजिट देना पड़ेगा रेजिडेंसी के लिए, क्योंकि ऐसे रेजिडेंसी नहीं मिलता है यूरोपियन यूनियन में, काफ़ी सारे डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट पॉलिसी है, बहुत सारे कंट्री का पैसा ज़्यादा लगता है, जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, ये सब कंट्री में रेजिडेंसी लेना काफ़ी मुश्किल है, कंपनी तो बन जाएगा, कंपनी सस्ता में बन जाती है, 4-5 हज़ार डॉलर में, 4-5 हज़ार यूरो में कंपनी बन जाता है, रेजिडेंसी ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको डिटेल्स बता दिया मैंने, अगर आपको इंडिया में कंपनी बना के कंपनी स्टार्ट करना है तो आप मुझे लिखिए, मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, इंडिया के अंदर कोई भी लाइसेंसेस आपको एप्लीकेशन करना है, इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस करना है तो आप मुझे लिखिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, या आउट ऑफ इंडिया में कोई भी कंट्री में आपको बिजनेस सेटअप करना है, मुझे आप कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको मदद करूंगा, ठीक है। और जैसे कि बहुत सारे जो हमारा जो सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि इंडिया के अंदर आपको उनको कंपनी इंडिया के अंदर सेट कर रजिस्ट्रेशन करके एक्सपोर्ट करना है, उसके बारे में क्या उनको राय देना है, या उसका मतलब है आप इंडिया में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे क्योंकि वो हाफ रहता है, इसलिए आप जो भी मुझे लिखते हो क्वेश्चंस आप लिखते हो आप पूरा डिटेल्स में लिखिए, कमेंट में लिखिए या ईमेल करिए। इंडिया के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करके एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इंडिया के अंदर ही आपको कंपनी बना के एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है, बाहर का लाइसेंस कुछ भी जरूरत नहीं रहता है। लेकिन मेडिसिन जब एक्सपोर्ट करोगे, मेडिसिन एक्सपोर्ट के लिए आपको इंडिया में रजिस्ट्रेशन चाहिए, और जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करोगे मेडिसिन उस कंट्री का भी रजिस्ट्रेशन भी चाहिए वहाँ उस कंट्री का। इसके लिए आगे मैं वीडियो बनाऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट मेडिसिन इन डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो आगे मैं बनाऊंगा आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो मैं डिटेल्स में बता दिया आपको, इंडिया में अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे
इंडिया में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कितने टाइप का लाइसेंस, क्या लाइसेंस आपको चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा मेरा जो एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में है, और टूरिज्म में है, ट्रैवल में है, और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस सेटअप में है, और इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट में है, तो मैं किसी को जॉब बाहर नहीं दे रहा हूँ। तो मेरा और एक चैनल है, हमारा और एक चैनल है उजॉब जॉब्स एंड करियर, उसमें मैं आउट ऑफ इंडिया में कैसे जॉब मिलता है मैं एडवाइस देते रहता हूँ। अगर आप या आपका कई बच्चे आउट ऑफ इंडिया में नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आप मेरे एक चैनल है, हमारा और एक चैनल है, मैं नीचे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, उजॉब्स जॉब्स एंड करियर, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल में मैं पूरा वर्ल्ड का हर कंट्री में कैसे नौकरी मिलेगा मैं एडवाइस देते रहता हूँ। और हमारा एक उजॉब्स.com एक जॉब साइट है, वेबसाइट है, उसमें भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो आप YouTube में सर्च करिए उजॉब जॉब्स एंड करियर, आपको मेरे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका बच्चे कहीं नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको उनको बोलिए हमारा जो दूसरा चैनल है उजॉब जॉब्स एंड करियर YouTube में ढूंढे, और YouTube में हमारा चैनल को देखते रहे, तो मैं काफ़ी सारे कंट्री का वीडियो में आपको एडवाइस देता हूँ कि कैसे आपको आउट ऑफ इंडिया में नौकरी मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको डिटेल्स बता दिया ये कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे और कैसे इंडिया आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करोगे, डिटेल्स मैं आपको बता दिया। और एक है, अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस आउट ऑफ इंडिया में कहीं सेटअप करना चाहते हो, आउट ऑफ इंडिया में एनी कंट्री में, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया में आपको मदद करूंगा, आउट ऑफ इंडिया में एनी कंट्री में आपको रेस्टोरेंट बिजनेस, कॉफी शॉप या कोई भी फूड बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस आपको सेटअप करना है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको मदद करूंगा। आउट ऑफ इंडिया में एनी कंट्री में आपको रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, आपको कॉफ़ी शॉप या आपका जो बर्गर शॉप या कोई भी रेस्टोरेंट आपको स्टार्ट करना है, मैं आपको मदद करूंगा। आउट ऑफ इंडिया में कहीं पर भी आपको स्टार्ट करना है, तो लाइसेंसिंग प्रोसेस, कंपनी रजिस्ट्रेशन, वीज़ा, सब कुछ में मैं आपको मदद करूंगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियो में मैं काफ़ी सारे डिफरेंट वीडियोज़ बना रहा हूँ, एक्सपोर्ट के बारे में, इम्पोर्ट के बारे में, और बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में, एब्रॉड में इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, तो डिटेल्स में आपको बता दिया। हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आगे वाले आने वाले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।